हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन माय ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेजरमेंट। वेरी इंटरेस्टेड एक्सरसाइज, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको आगे के क्लास में, आगे के लाइफ में आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो डियर स्टूडेंट, आज हम मेजरमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन सीखेंगे उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से केयर करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सपोज दैट योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, हमें कैसे मीटर को, पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि हम कैसे किसी मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, या फिर सेंटीमीटर में दिया है तो उसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या सेंटीमीटर में दिया है इसको किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारा, आपको मालूम है, मैंने बिफोर वीडियो में ही, बिफोर क्लास में ही आपको इस पे डिस्कस किया था कि मीटर को अगर कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में तो हमें पहले यूनिट नंबर को जानना जरूरी है। जैसे अगर हमें कोई ज़्यादा अमाउंट पूछा जा रहा है, जैसे 4 मीटर या 4 किलोमीटर, तो पहले हमें 1 का मालूम होना चाहिए। जैसे हमें कंफर्म करना है 4 मीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होते हैं, 4 मीटर हमें कितने सेंटीमीटर होंगे, 4 मीटर को हम सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले बेटा 4 मीटर को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, पहले हमें 1 मीटर का मालूम होना चाहिए। अगर जब तक हमें 1 मीटर का मालूम नहीं रहेगा तब तक हम किसी भी नंबर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि वह 1 मीटर में क्या होता है। अगर हमें 1 मीटर का मालूम है तो हम कितना भी डिजिट रहे, कितना भी बड़ी संख्या रहे, तो हम उसको आसानी से सेंटीमीटर में या मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, हमारा क्वेश्चन दिया था 4 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होगा। चलिए देखते हैं 4 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होगा, यही हमारा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, इसको जांचते हैं। 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, आपको अच्छी तरीके से मालूम है ये चीज़ें, आप जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब इसको हमें, जब हमें 1 मीटर का मालूम है तो हम 4 मीटर का निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देयरफॉर 4 मीटर इज इक्वल टू 4 × 100 सेंटीमीटर। इजी है, क्या किया हमने, 4 का मल्टीप्लाई 100 में कर दिया इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर। अब हमारा क्या आ गया, 400 सेंटीमीटर आ गया। अब हम इसको कह सकते हैं 4 मीटर इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर। कितना आसान है, किया क्या हमने, जब हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें कुछ नया नहीं करना है, हमें पहले ये जानना है कि 1 मीटर का क्या होता है। 1 मीटर का अगर हमें मालूम है कितना सेंटीमीटर होगा तो कितना भी ज़्यादा नंबर दिया रहे हम उसका 100 में मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर जान सकते हैं। ऐसे समझिए, अगर बहुत ही क्विक टाइम में आप आंसर देना चाहते हैं, आप किसी भी ओलंपियाड, मैथमेटिक ओलंपियाड, मैट्रिक कंपटीशन या फिर एग्ज़ाम या फिर कोई भी ऐसा जगह हो जहाँ पर आपको आंसर बहुत ही कम समय में देना है, वहाँ पर आप क्या करेंगे, जितना ही नंबर दिया है मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप तुरंत उस नंबर का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स इट। अगर 4 का दिया है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 4000 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 10 है, 10 का करेंगे तो 1000 हो जाएगा, मीन्स 1000 हो जाएगा। जितना आपका नंबर अमाउंट है उसमें आप 100 का मल्टीप्लाई करिए, सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है, आपने यहाँ पे देखा, क्या देखा, 4 मीटर का हमें जानना था कितना सेंटीमीटर हुआ, क्या किया हमने, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, ये आपको सबको मालूम है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देयरफॉर 4 मीटर इज इक्वल टू 4 × 100 सेंटीमीटर, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। जब हमें 1 मीटर का मालूम है तो हमें कितना भी नंबर दिया जाएगा हम उसका मल्टीप्लाई करके 100 का
जान सकते हैं कितना सेंटीमीटर होगा। ये क्लियर है? चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, इससे थोड़ा डिफरेंट रहेगा लेकिन हमें डिस्टेंस से ही रिलेटेड वो नंबर को चेंज करना है। जैसे चलिए बहुत ही आसान है, आप इसी तरीके से क्वेश्चन को बार बार करते रहिए, इस तरह से क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे। अब आपका अगला क्वेश्चन है, केजी मीटर था, अब हम किलोमीटर में लेते हैं। किलोमीटर में लेते हैं, सपोज दैट ये तो हमारा इस मीटर छोटा हो गया, उससे बड़े वाले नंबर को लेते हैं किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। सपोज दैट आपको दिया 35 किलोमीटर, इसे मैं कन्वर्ट करना है मीटर में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या किया हमने, 35 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो जैसे हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना सीखा है, वैसे ही किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना है, मीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 को मतलब केयर करते हैं, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। किलोमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे 1000 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। क्लियर है? चलिए देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन को। 35 केजी इज इक्वल टू व्हाट मीटर? सो डियर स्टूडेंट, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, यू नो वेरी वेल, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। एंड वी हैव टू फाइंड आउट 35 किलोमीटर इज इक्वल टू व्हाट? सो डियर स्टूडेंट, 35 किलोमीटर इज इक्वल टू 35 × 1000 मीटर इज इक्वल टू 35,000 मीटर। कितना आसान है, कितना आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। किया क्या हमने, हमें 1 किलोमीटर का मालूम होना चाहिए। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, देयरफोर 35 किलोमीटर इज इक्वल टू 35 × 1000 इज इक्वल टू 35,000 मीटर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एंड नाउ डियर स्टूडेंट, आई एम रिपीट वंस अगेन दिस क्वेश्चन, 35 किलोमीटर इज इक्वल टू व्हाट? अभी हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना सीखा, अब हम इस वीडियो में क्या देख रहे हैं, ये क्वेश्चन। हम इस क्वेश्चन को किलोमीटर में दिया हुआ, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए हैं तो हमने 100 का मल्टीप्लाई किया है, जब यहाँ पे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बस यही मेजर डिफरेंट है मीटर टू सेंटीमीटर, किलोमीटर टू मीटर में। क्या डिफरेंट है? यही मेजर डिफरेंट है कि हम एक में क्या कर रहे हैं, एक में 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक में 1000 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कितना आसान वर्क है, बहुत ही क्विक टाइम में आप मीटर को सेंटीमीटर में या फिर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करनी है, करना क्या है, 35 को राइट किया, 1000 है, 1000 में 30 होता है, 1 2 3, तो हम 35 लिख करके 30 को ड्रा कर देंगे, 35 का 1000 में मल्टीप्लाई हो गया। प्रॉपर नंबर में राइट डाउन करके आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, आप सीधे सीधे नंबर को 35 × 1000, 35 लिखा, 30 है, 30 राइट कर दिया, दैट इज 35,000 मीटर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ वन मोर क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वन मोर क्वेश्चन, किलोमीटर टू कन्वर्ट इनटू मीटर। सपोज दैट डियर स्टूडेंट, योर क्वेश्चन गिवन हेयर, 10 किलोमीटर एंड 500 मीटर। योर क्वेश्चन गिवन हेयर, 10 किलोमीटर एंड 500 मीटर। हमारा ये ध्यान देना है, हमें 10 किलोमीटर को तो मीटर में कन्वर्ट करना ही है और ये हमारा 500 दिया हुआ है, क्या मीटर, यानी इसे मैं कन्वर्ट नहीं करना है क्योंकि ये तो ऑलरेडी मीटर में कन्वर्ट है, इसे मैं ऐड करना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इज इक्वल टू यहाँ पे दिया है मीटर, कितने मीटर होंगे यहाँ पे, तो क्या करेंगे, यू नो वेरी वेल, वन की एम इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू
1000 kilometer. Therefore, dear student, 10 km and 500 meter is equal to 10 multiply 1000 meter and plus, mind this, and plus 500 meter, because this 500 write down in this place. Okay, because I am not convert 500 meter to the meter, because 500 is also convert into meter. Is that clear? So dear student, 10 kilometer and 500 meter to the convert into meter, 10 multiply 1000 meter and plus 500 meter is equal to 10,000. क्या होगा ये 10 को हम यहाँ नीचे डाउट करेंगे और मल्टीप्लाई नहीं करके सीधे 330 को यहाँ पे राइट कर देंगे मीटर एंड प्लस 500 मीटर. क्या किया हमने, 10 को नीचे डाउन किया और ये 330 को हम मल्टीप्लाई ना करके डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए. मल्टीप्लाई मेरा हो गया 10 में 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 10,000 हो गया. क्लियर है, 10,000 मीटर एंड प्लस 500 मीटर. सो डियर स्टूडेंट, 10,000 and plus 500 is equal to 00501, means 10,500 meter is your answer. कितना आसान है, क्या किया गया है, कोई नया वर्क नहीं किया गया है. 10 किलोमीटर को ही हमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये 500 तो ऑलरेडी हमारा मीटर में दिया है, यानी 10 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके ये 500 को हम ऐड कर लेंगे. क्लियर है ना, बिकॉज the your question given here 10 kilometer and 500 meter. Dear student, 10 kilometer and 500 meter to the convert into meter. So dear student, you know very well 1 kilometer is equal to 1000 meter. So therefore we have to convert the 10 kilometer and 500 meter to also meter, and 10 kilometer 500 meter is equal to 10 multiply 1000 meter and plus 500 meter. So dear student, 10 multiply 1000 is equal to 10,000 and 10,000 meter plus 500 meter is equal to 10,500 meter. I hope clear to everyone. Dear student, इस तरह का वीडियो आप बहुत सारे भी आगे आपको मिलेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. Is it clear? We have to convert the 10 kilometer and 500 meter to meter. हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं. यू नो वेरी वेल 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. सो देयरफॉर 10 किलोमीटर एंड 500 मीटर टू द कन्वर्ट इनटू मीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000. देयरफॉर 10 मल्टीप्लाई 1000 मीटर एंड प्लस 500 मीटर, बिकॉज 500 मीटर इज आल्सो गिवन मीटर. सो 500 मीटर नॉट कन्वर्ट टू मीटर, बिकॉज 500 मीटर इज आल्सो गिवन हियर इन मीटर. So 10 multiply 1000 meter and plus 500 meter is equal to 10,000 plus 500 is equal to 10,500 meter. I hope clear to everyone. Dear student, इस तरह के क्वेश्चन को आप अभी आगे के वीडियो में बहुत सारे देखेंगे, लेकिन ये अभी हमने आपको क्या सिखाया है, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए. I hope ये वीडियो सभी को अच्छा लगा होगा. इसी तरह के और भी आपको वीडियो आगे के दिनों में मिलते रहेंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है, और इसको घर पे प्रैक्टिस करते रहिए. इज इट क्लियर टू एवरीवन? थैंक यू.